तो फाइनली सारे स्टूडेंट यहाँ पर पहुंच चुके हैं, आप देख सकते हैं कितने खुश हैं ये। तो आज हम जा रहे हैं 7 दिनों की ट्रैकिंग पे नारानाग की तरफ और बहुत सारी अच्छी अच्छी जगहों पे। टीचर्स जो हैं ये भी हमारे साथ आ रहे हैं। तो ओके सर, बाय बाय। तो आप देख सकते हैं जो स्टूडेंट्स हैं बहुत इंजॉय करेंगे हम वहाँ पर। अभी हम निकल रहे हैं कश्मीरी यूनिवर्सिटी से। आप देख सकते हैं कश्मीरी यूनिवर्सिटी का जो रूमी गेट है, यहाँ से हम निकल रहे हैं ट्रैकिंग की ओर। तो आज हमारी पहली सुबह है, हमें वहाँ पहुँचना है और उसके बाद शेयर करने वाले हैं। तो गाइज आप देख सकते हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं वो कितने खुश नजर आ रहे हैं, गुनगुनाते हुए जा रहे हैं। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि जो कश्मीर है वो कितना खूबसूरत से नज़ारे हैं इस कश्मीर के। तो आज हम जो हैं वो जा रहे हैं नारानाग की तरफ, वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट जगहों को एक्सप्लोर करेंगे और बहुत मज़ा आने वाला है इस ट्रैकिंग पे। और सबसे अच्छी बात जो है ना वो ये है कि सीनियर्स और जूनियर्स इकट्ठे जा रहे हैं हम। हाय गाइस, ये मेरा दोस्त जिसने पिछली वीडियो में आपको एक रेप सुनाया था, आज एक रेप है। आई एम सॉरी। यहाँ डांस हो रहा है, झूमते हुए जा रहे हैं स्टूडेंट्स हमारे। सीनियर्स भी नाच रहे हैं, जूनियर्स भी नाच रहे हैं, सब इकट्ठे जा रहे हैं। तो यही खूबसूरती है आज की ट्रैकिंग की। तो दोस्तों हमारा आधा सफ़र ख़त्म हो चुका है। पहाड़ देखकर तो आपको अंदाज़ा हो चुका होगा कि हम कितनी ऊंचाई पर हैं, और इस ऊंचाई पर भी लोग रहते हैं। बहुत खूबसूरत सा नज़ारा है यहाँ पर भी, बहुत मज़ा आ रहा है। हम अभी और ऊपर जाना है और हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँच जाएंगे। रोड के बीचों बीच हमें रोड रोलर मिला है। मुझे लगता है अक्षय कुमार का जो रोड रोलर था ना वो अभी तक यहीं पड़ा है, उसको ले के नहीं गए। तो गाइज हल्की हल्की जो है वो बारिश होने लग गई है और लगभग हम भी अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचने ही वाले हैं। और गाते गुनगुनाते नाचते हंसते हमें पता ही नहीं चला कि हम कब यहाँ तक पहुंच गए, और बस कुछ किलोमीटर की दूरी पे हम हैं। ये हमारे सर हैं जो हमसे पहले पहुंच गए हैं। यहाँ पे हमें उतरना है, फंस गई है गाड़ी यहाँ पर। हमारे पेट की दिख रहा है। गाइस हम पहुँच चुके हैं अपने स्पॉट पर, बस यहाँ हमें स्टे करना है और इसके बाद हमें यहाँ से अपनी ट्रैकिंग का आगाज़ करना है। तो ये देख सकते हैं आप, ये है हमारी बस। हल्की हल्की सी बारिश लगी है यहाँ पर, जो कि बड़ा ही अच्छा है।
तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन पे। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा नज़ारा है नारा नाग का, और यहाँ पे कुछ आपको टेंपल्स भी नज़र आएंगे जो बहुत पुराने हैं। सब अपने अपना सामान उठा के यहाँ से लेके जाएंगे अपनी हट में। थोड़ी थोड़ी सी बारिश तो हो रही है लेकिन हम पहुँच चुके हैं लगभग कि हमें कुछ खाने को मिलेगा, लेकिन ये दाल का इंतज़ाम कर रहे हैं सर हमारे लिए। That's the best protein, best carbohydrate. अच्छा सर, प्रोटीन तो चिकन में भी होता है, वो ज़्यादा एक्सेस होता है ना, फिर गाउट हो जाए। नहीं नहीं, उतना सह लेंगे 3-4 दिन के लिए। तो गाइज अभी बारिश जो है थोड़ी रुक गई है, शाम का टाइम है, हम थोड़ा मार्केट के लिए निकले थे, हमने सोचा थोड़ा एक्सप्लोर कर लें और कुछ चीज़ें ले लें। जाना है गंगा, यहाँ से हमें जाना है ऊपर, यह है हमारा ट्रैक, यहीं से हमें ऊपर जाना है। देख सकते हैं आप गाइस, हमारी ट्रैकिंग यहाँ से स्टार्ट होगी। ये है मार्केट जो नारनाग से नीचे पड़ता है। ओवरऑल इन जनरल में हमें यहाँ पे क्या एक्सपीरियंस मिलेगा, आप अपनी फैमिली को भी ला सकते हैं यहाँ पे। अच्छा, आप स्टूडेंट्स को बुला सकते हैं यहाँ पे, कुछ एक्सप्लोर करना है यहाँ पे। तो सर बोला हमें खर्चा कितना हुआ, हमको लिख के हिसाब रखना है पहले। हाँ सर, पहले हमने दाल लाई है और कुछ हल्की दाल लाई है बस, और हमने दूध भी लाया है, टमाटर लाए हैं। सामान ये तैयार कैसे हो रहा है? हाँ ये हो रहा है, सामान भी बहुत सारा लाया है, और कुक भी हमने रेंट पे लाए हैं सर। ये हमारा राशन जो हमें यूज करना है, बर्तन वगैरह है यहाँ पर पूरा। ये हमने सारे बर्तन नए खरीदे, ये हमने सारा कुछ नया खरीदा है। ये पूरा राशन है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, कौन यहाँ आप देख सकते हैं छोटी। तो गाइज हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं और सबको अपना अपना काम मिला है। कोई यहाँ पर आग जलाने के लिए जगह बना रहा है, तो कोई और काम कर रहा है। तो गाइज ये है हमारी हट, और इसके पीछे आप देख रहे हैं जो नज़ारा ना, ये बहुत खूबसूरत सा नज़ारा है, और यहाँ पर ही हमें शाम को कैंपिंग भी करनी है। इनको पानी लाने के लिए भेजा था हमने, पानी लेके आ रहे हैं। आपको क्या काम दिया गया है? प्याज काट रहे हैं। अच्छा, और ये टमाटर, ठीक है। तो जब मैं दूर से देख रहा था मुझे लगा आप रो रहे हो अकेले बैठ के, घर की याद आई है। फिर मैंने देखा आप तो प्याज काट रहे हो। तो खत्म हो गया, आराम से आराम से आराम से, आसान का चुक वाला। यहाँ पे तो आग जलानी है, जो आग बाहर ही जलानी है, मतलब वहाँ उसके इर्द गिर्द। हाँ ऐसा, एक बार आग वहाँ जलानी उधर। मैं जा रहा हूँ, सर का बैग रह गया है और मैं देख रहा हूँ ढूंढने के लिए, दो बंदे वहाँ पे, लेकिन वो लेके नहीं आ रहे बैग। एडजस्टमेंट ये हमें सिखाती है, आप लेस इक्विपमेंट में एडजस्ट कैसे कर सकते हो, मैनेजमेंट मैनेज अपने आप को कैसे उस माहौल में आप अपने आप को कैसे मैनेज करते हैं। आपको कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर, कैसा माहौल है, कैसा एनवायरनमेंट है? एनवायरनमेंट आपको लग रहा है कि हम जन्नत में आए हैं, पर सब बैठ चुके हैं, चाय नहीं है, देख सकते हैं। oh चाय नहीं है सर, क्यों सर? सर को चाय दो, सर को चाय दे दो यार। वैसे चाय तो आप सबने पी होगी लेकिन अपने किचन्स में बैठ के, लेकिन यहाँ पर बैठ के पीने का, इस खूबसूरत से इन्वायरमेंट में बैठ के पीने का मज़ा ही कुछ अलग है। और साथ ही साथ हम ये चाय जो है इंजॉय कर रहे हैं अपने टीचर्स के साथ अपने, और ये मोमेंट बहुत प्रीशियस मोमेंट है। हमारा ये हमारे सीनियर कुक है, ये देख सकते हैं, ये इसमें अब मीट जाएगा, चिकन जाएगा। तो जब तक हमारा खाना तैयार हो जाता है तब तक हम चाय पी लेते हैं। तो सबको जो चाय है वो सर्व हो चुकी है, और इन हसीन वादियों में चाय का मज़ा ही कुछ अलग है। गाइस खाने का टाइम हो चुका है यहाँ पर, अब देख सकते हैं। टाइम बोलो कितने बजे खा रहे हैं हम? जितने बजे भी खा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर पहुँचकर हमें अरेंजमेंट्स करनी थी, तो उसके बाद ही
खाना मिला सबको। ये हैं हमारे शेफ जिन्होंने आज का खाना तैयार किया। तो गाइज मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर ज़ुबैर सर जो हैं वो अपनी अपनी ड्यूटी बता रहे हैं हर एक स्टूडेंट को कि किसकी कौन कौन सी ड्यूटी है, और यहाँ डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स जो हैं वो डिवाइड किए जा रहे हैं जिनमें फिर बाद में कंपटीशन भी होगा। इतने अच्छे चावल बने हैं, जरूरत नहीं है किसकी कुक की चबानी और रात का खाना खा रहे हैं। रात हो चुकी है और खाना बहुत जबरदस्त बना हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर डांस हो रही है रूम में, सूरज बजा रहे हैं ढोल और साकिब नाच नाच जगह क्या ये 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 बेली डांस मिर्गी डांस बेली डांस बेली बस 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 बस